एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ पूजा सिंह में। शाम का 6 बज रहे हैं, बाहर अभी भी कोयल बोल रहा है और अभी अंधेरा हो चुका है, लेकिन सुबह का 12 बजे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। मैं बारिश की क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, छोटा छोटा मैं आपको इसमें दिखा दूंगी। और 12 बजे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब एकदम शाम हो गया है, इतना अंधेरा कर दिया था और इतना बारिश होता है। वैसे मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और मौसम बिल्कुल ठंडा कर देता है, ना पंखा का जरूरत है ना किसी चीज़ का जरूरत है, एक नंबर मौसम कर देता है। और बारिश मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। बट बारिश अभी हो रहा है मई में, ये अच्छा है कि नहीं है हमको नहीं पता। पता नहीं कहीं सबका फीवर उवर ना हो जाए। और ये क्या बोलते, लगातार 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। बट हाँ, ये भी है कि बारिश होता है तो आम पकता है और आम गिरता है। एंड आज है संडे और आज है मदर्स डे, तो सबको हैप्पी 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 मदर्स डे। भगवान सबकी सारी जहाँ की सारी माँ को बहुत ही खुश रखे और उन सबको लंबी उम्र दे। सब सब आज अपनी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, उन्हें बहुत स्पेशल फील कराइए। वैसे हमें अपनी माँ को हर डे प्यार करना चाहिए, पर डे स्पेशल फील कराना चाहिए। बट जैसे कि आज मदर्स डे, हर डे के लिए स्पेशल डे बनाया गया, तो आप पर डे इतना बिजी रहते हैं डेली रूटीन में, तो आज अपनी माँ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, उनके लिए थोड़ा सा चॉकलेट भी ला के और आप उनको एक सरप्राइज दे के खुश कीजिए, उनको बहुत सारा प्यार कीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग सुबह सुबह अपनी मम्मी के लिए हम लोग मदर्स डे हैप्पी मदर्स डे बोले। मेरी मम्मी तो ये सब समझ में आता नहीं है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हम लोग को थैंक यू बेटा, थैंक यू बोलने में नहीं आ रहा था, मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया। हम लोग मम्मी को चॉकलेट खिलाए थे और मेरी मम्मी को उनका बर्थडे डेट भी नहीं पता है। आधार कार्ड में तो वैसे डेट डाला हुआ है और वो लोग भी सेलिब्रेट भी नहीं करती है। तो हम लोग अपनी मम्मी से बोल रहे थे कि आज हम लोग ये क्या बोलते हैं मदर्स डे के दिन हम लोग मम्मी का अपना वो क्या बोलते हैं मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे हमारे इधर अभी लॉकडाउन चल रहा है झारखंड में, तो दुकान बहुत ज़्यादा खुली हुई नहीं थी, क्योंकि हम लोग मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाह रहे थे, जैसे कि हैंडबैग लेना चाह रहे थे। और मम्मी को एक मार्केट में जब एक बार गई थी तो उस टाइम उनको वो जूती बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट उनके साइज का नहीं था तो वो नहीं ली थी। तो हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग वो जूती ले और कुछ कपड़ा खरीद दे मम्मी को। बट अभी तो लॉकडाउन है, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन है, एकदम से दुकान नहीं खुल रहा, बट हम लोग फिर भी मम्मी के लिए बैंगल्स गिफ्ट लिया है। तो मैं आप लोगों को सारी बैंगल्स दिखाऊंगी हमने क्या क्या गिफ्ट लिया। और आज हमारे घर में अभी चिकन बन रहा है, तो अभी जो कुछ भी हम लोग करेंगे छोटा सा यूं ही तो आप लोग को दिखाएंगे। चलिए, तो आप लोग मेरे साथ आज बने रहिए। हे फ्रेंड, अभी बज रहे हैं सुबह के 12, अभी 12 भी नहीं बजे, 11:40 हो रहा है। आप इधर का मौसम देख सकते हैं, ऐसे कर रखा है जैसे कि शाम हो चुका है, एकदम से शाम का 5 बज चुका है। बहुत ही घना बादल लगा दिया है, बहुत तेज़ बारिश होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हवा चल रहा है। आप देख सकते हो कितना अंधेरा अंधेरा दिख रहा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो चुका है जबकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। बाप रे, ये स्टार्ट बहुत ही तेज वाली आसमान तो आप देख ही सकते हैं। आप सभी, हम लोग अपनी मम्मी के लिए ये सब लाए हैं। वैसे तो मेरे पापा नहीं है तो मम्मी बहुत ज़्यादा ये सब नहीं पहनती, बट ये थोड़ी है यार कि किसी के लिए हमारी लाइफ रुक जाती है। पापा का कमी ज़िंदगी में कोई पूरा नहीं कर सकता है, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, बट अपनी मम्मी को खुश रखने की कोशिश तो करते हैं, कर सकते हैं ना। तो मेरी मम्मी के हम लोग अपनी मम्मी के लिए लाए हैं, ये मेरा भाई लाया है
ऑरेंज कलर का। ये मेरी बहन लाई है आरती, और ये मेरे तरफ से है, और ये मेरी छोटी वाली बहन। मेरी मम्मी को ये वाला छोटी बहन वाला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका जो ग्लिटरी वर्क है सब बहुत अच्छा साइन कर रहा था। बट ये वाला मुझे पसंद आया था क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था हमको, और इसमें जो वोल्वेट वाला है ना वो बहुत सुंदर लग रहा था। एंड मम्मी के पास ऐसा साड़ी भी है, इसलिए लिए मेरे भाई ये लिया है। और हम लोगों ने मम्मी के लिए कपड़ा भी ऑर्डर किया था, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने देख लिया हमने मम्मी के लिए क्या लिया है। और मेरी बहन अभी पीस रही है मसाला कि हम लोगों को बनाना है चिकन। मम्मी को वैसे खीर पूड़ी वगैरह ज़्यादा पसंद आता है, बट आज बारिश हुआ था तो हम लोगों ने चिकन ही मंगा लिया, सोचा कि चलो चिकन ही खा लेते हैं। एंड मटन वगैरह का दुकान तो वैसे भी बंद है, मछली भी शायद नहीं मिल रहा है, चिकन वगैरह छुप छुप के बेच रहा है सब। सो हम लोगों ने चिकन अभी मंगा लिया, मेरी बहन अभी मसाला पीस रही है सिलबट्टा पे, फिर मैं भी चिकन बनाने वाली हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि चिकन कैसे बना रहे हैं। ये पीस रही है मसाला, और सिलबट्टा पे एक नंबर की आलसी। अभी जाके उठ के भी मसाला पीस रही है, तब से जाके लेटी हुई थी। कभी तुम्हारे क्या तारीफ कर दे झूठ मूठ का। और तो तुम क्या बोली? अच्छा लुक एट मी, तुमको देख ली, लुक एट मी कहाँ से घुस गई है, लुक एट मी, लुक एट ये मी, कमाल है हमारे शॉप की बुनियादी का। हे बेबी। तुम ज्यादा पोज मार के मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा ही ये सब आदत है, दूसरे का नहीं। देखिए ये वो गंदी लड़की है जो अभी मसाला पीस के आई, और जब भी हम लोग नहीं देखते तो ये हमेशा टेबल का इसमें हमेशा अपना हाथ साफ कर देती है। जब डांटे तो फिर जाके इसमें भी अपना हाथ धोई, और फिर इतना जल्दी से हाथ पोंछ के ना, सॉरी धोई नहीं पोंछी, और इधर भाग के आ गई। ये ऐसे ही करती है घर का पर्दा, में कभी किसी भी चीज में अपना हाथ वाथ पोंछते रहती है। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं ढेरफुटिया, तो आप लोग भी प्लीज इसे ढेरफुटिया हमें बुला सकते हैं। प्यार से मोटी, और इसे प्यार से हम लोग मोटी बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मोटी है, और हम क्योंकि बहुत मोटी है तो हमें प्यार से सुकली बोल सकते हैं आप। और इस सुकली को मोटी बोली और हमको सुकली बोलिए, और इसको ढेरफुटिया बोलिए। थैंक थैंक यू। यू। इसके बाद सारा स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे। ये है मेरे घर की वो छोटी वाली ढेरफुटिया, और ये है मिस खुरदू। तो आप इसको प्यार से खुरदू बोल सकते हैं कि HRDU खुरदू, बट हम लोग उसको प्यार से बोलते हैं मोटी, बिकॉज आप तो इसका देख ही रहे कितना चर्बी लटका हुआ है। चर्बी के मारे। नहीं और उसको वो इतनी ज्यादा लंबी है ना कि हम लोग उसको डेरफुटिया बोलते हैं। और आप तो हमको बिल्कुल स्लिम और ट्रिम जीरो फिगर। जीरो फिगर सुखली बोल सकते हैं। आई एम मिस सुखली, एंड ये है मिस खुर्दू का मोबाइल जो अभी बज रहा है। कृपया अपना काम जल्दी जल्दी करें। हम लोग अभी बना रहे हैं चिकन, क्योंकि मटन का तो अभी मिल नहीं रहा है, चिकन भी बहुत मुश्किल से मिला है, सब तो छुपा छुपा के बेच रहे हैं। तो चिकन बनाना स्टार्ट हो गया, अभी मेरे प्याज भुना रहा है। और ये मैं लोग रेडी हो रही हूँ। पता नहीं क्यों हेयर स्टाइल बना रही हूँ अभी रात में, ये मैं हूँ और ये मेरी बहन है जो मेरी चोटी बना रही है। और हमारी चोटी बन रही है। अब लग रहा प्रसाद ले रही है, कितना सुंदर लग रहा है। इसका दिया हुआ पहनी अभी मम्मी, तो कैसा लग रहा है आपसे बताइएगा। वो वैसे ही करती है, उसको क्या कर सकते हैं। प्याज भुना चुका है, मसाला ज्यादा हाँ बिलो प्याज है हमने लाल हो गया। लाल हो गए तो ही अच्छा लगा। मम्मी प्याज जितना ज्यादा भुंजा हुआ उतना ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है वो कान वाले हरा दिए। हाँ इसको कान वाला ये लो बुला दी, दिखाओ कितना सुंदर लगता है ये वाला कान का। ये वो बुरा मान ये तुम ये कान का क्यों घुमा दिया यार, इतना सुंदर लग रहा था। तेरा ये लो सूट तुम बहुत लेकिन अजीब लड़की है, डब्बा से कहाँ चले, लेने टाइम खरीद लेती है फिर तुम भुला देती है। गोदरेज में होगा,
अपना नहीं वो नहीं ठीक लगेगा। येलो वाला दो। अच्छा एक सेकेंड, लहसुन और अदरक। हल्दी, बस बस हो गया। क्या हुआ? धनिया तुम खुद से निकालो, हम नहीं आने वाले हैं। चाकू दो तो। मतलब वहां पे चाकू तुमको नहीं देखा, तुम्हारा ये स्पेशल चाकू बहुत जरूरी था, जंग लगा हुआ। लो ना चाकू। तुम बैकग्राउंड म्यूजिक मत ही दो, तुमको कमाल देखा है। हाँ देख लिए। तेरे टमाटर तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी वाली ग्रेवी तैयार हो चुकी है, खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो देखिए आप लोग ग्रेवी कैसी बनी है। देखिए अच्छा ठीक, अब ठीक है। Happy birthday to you, happy birthday dear mummy, happy birthday to you, और happy mother's day mummy। वीडियो बनाई थी। देखो। तुम पहले अपना मोज संभाल लो, कृपया मोज संभाल के फोटो खिंचवाए। हे गाइस, अभी तो बज रहे हैं शाम के 4 और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। आप टाइम देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी टाइम दिखाते हैं हम आप लोग को, क्या हो गया ऐसे। देख सकते हैं 3:52 टाइम हो चुका है, अभी इसका रिचार्ज जस्ट खत्म हो गया। तो अभी बज गया शाम के 4 और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। आज 10 तारीख हो गया, कल हम लोगों ने मदर डे सेलिब्रेट किया था। तो
आज बहुत काम था, बहुत ही ज्यादा काम था। लास्ट में जब कल हम लोगों ने चिकन पुलाव, पापड़ सलाद, टमाटर की चटनी यही सब बनाई थी, तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ बहुत ज्यादा काम था। और जब हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, केक वेक कट करवाई मम्मी से, फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर काफी सारा काम हो गया था, बर्तन वर्तन धोना, फिर किचन वगैरह साफ करना, तो मैं वही सब साफ करने में लग गई थी, तो मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और आज मैंने पूरा घर की डीप क्लीनिंग की है, मैं पूरा बेडशीट वगैरह सब धोई हूँ, बहुत सारे कपड़े धोए हूँ, फ्रिज वगैरह सब कुछ साफ की हूँ, पूरा मतलब किचन वगैरह के मसाले के डब्बे वगैरह सब धोई हूँ। तो अभी जस्ट नहाते नहाते 4 बज चुका है, और मैंने कल अपना ब्लॉग का एंड नहीं किया था, सो मैंने इसलिए सोचा कि मैं अभी एंड कर लूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कितने कपड़े धोए हैं, और कल अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया। यूं ही मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि मदर डे कुछ ऐसा होता है, माँ का कोई दिन नहीं होता है, माँ से ही दिन होता है हम लोग का। बट क्या होता है ना कि हम लोग मतलब ऐसे ही एक हर चीज का एक स्पेशल डे होता है, तो मदर डे भी एक स्पेशल होता है, ताकि हम लोग अपनी मम्मी को स्पेशल फील करवा सकते हैं। क्योंकि वैसे तो हम लोग डेली रूटीन में सब इतने बिजी होते हैं कि सब मतलब किसी को इतना टाइम ही नहीं होता है, तो और हमारी मम्मी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उनको पता भी नहीं था और वो ये सब चीज समझते भी नहीं है। और हम लोगों ने उनको बोला कि आपका बर्थडे है, तो हम लोग आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो ज्यादा खुश हो गई थी और हम लोगों ने बस बहुत मस्ती किया। तो मेरा टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया है, तो शाम को ही रिचार्ज कर पाएंगे, और अभी मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने कितने कपड़े धोए। तो देखिए आप लोग, मैंने कितने कपड़े धोए हैं, धोई हूँ, देख सकते हैं आप सभी। और उधर उधर पेड़ के उस साइड भी है कपड़े सारे, उधर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बांस के पीछे उधर भी है, लड़के पीछे भी हमने डाला है बहुत सारा कपड़ा। मैंने ये सब कुछ साफ सुथरा किया, पोंछा है, इन्वर्टर वगैरह मैंने सब कुछ साफ किया, देख सकते हो आप लोग। इस रूम की भी मैंने डस्टिंग वगैरह सब कुछ की है, और कल बहुत ज्यादा तेज बारिश भी हुई थी, मैं बारिश की क्लिप रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज धूप भी किया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं कपड़ा धो देती हूँ। और अब देख सकते हो टाइम 3:56 हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं मुझे काम करते करते नहाते भी, और अभी मुझे दोपहर का खाना खाना है। तो आप लोगों ने देख ही लिया है, इसकी बेडशीट वगैरह सब मैंने धोया, एक गोदरेज वगैरह मैं सब साफ की हूँ, इधर की आड़ी वाड़ी सब धोई हूँ। तो आप लोगों ने टाइम भी देख लिया, अभी 4 बज चुका है और मुझे अभी दोपहर का खाना खाना है। मैंने सुबह अभी नाश्ता नहीं किया था, बस मैं चाय और बिस्किट खाई थी, क्योंकि रात को जो हम लोगों ने चिकन वगैरह खाया था, थोड़ा हेवी हेवी लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था मतलब। तो हम लोग इतना चिकन वगैरह हम लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है, मम्मी भी बोल रही थी कि इससे अच्छा तो खीर पूरी वगैरह बना लेती, मटर पनीर वगैरह। और हम लोग कुछ दिन पहले ही अंडा करी भी खाया था, फिर उसके पहले भी चिकन खाया था, फिर फिश भी खाया था, तो हम लोग लगातार लगातार जल्दी नहीं खाते हैं, तो और अच्छा भी नहीं लगता। और मेरा क्या होता है ना कि अगर मैं मछली वगैरह या फिर नॉनवेज वगैरह कुछ भी खा लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं पहले सारा घर का क्लीनिंग वगैरह करूँ, तब जाके मुझे शांति लगती है। मतलब जैसे कि जैसे आज हम लोगों ने नॉनवेज खाया, तो किचन वगैरह बर्तन वगैरह तो धुल ही जाते हैं, वैसे हम लोगों ने उसके लिए अलग बर्तन और अलग गैस चूल्हा भी रखा है, बट फिर क्या होता है ना कि हम लोग आके सोते वगैरह हैं, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि शाम का सांझ बत्ती करना रहता है पूजा करके, और पूजा वूजा करना रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने नॉनवेज खाया, तो उसी पे तो सब कुछ सोए बैठे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही सब थोड़ा ओवर लगता है, बट अपना अपना चॉइस है, मुझे मुझे ऐसा ही पसंद है। तो मैं जब भी नॉनवेज वगैरह खाती हूँ, तो मैं पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ, उसके दूसरे दिन घर में सब बोलता है कि हम लोग जितना खाते नहीं है उतना तो हम लोग काम करते हैं, तो हम तो बोल फिर हम बोलते हैं कि तुम लोग तो नहीं करती है, हमको करना पड़ता है, तो हमको पसंद है तो हम करते हैं, तुम लोगों को तो नहीं करना पड़ता। तो
मेरा तो ऐसे ही चलता है, मैं तो ऐसे साफ सुथरा कर लूँ फिर मुझे अच्छा लगे। और फिर हम इतना जल्दी नहीं खा रहे, ऐसा नहीं होता कि वीकली खा रहे हैं, या फिर 2 दिन में, 3 दिन में, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन का गैपिंग भी हो जाता है हम लोग नॉन वेज खाने में। तो कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, रात में हम लोगों ने नींबू पानी पिया था, उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था, मतलब नहीं उतना डाइजेस्ट हो पाता हम लोग को नॉन वेज, अच्छा नहीं लगता। तो मैं अभी जस्ट सारा काम करके बाल धो के नहाई हूँ, तो देख सकते हैं लोग मेरे बाल पूरे भींगे हुए हैं, देखिए। सो मैं हर क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ रिकॉर्ड की थी। हम लोगों ने केक कट करने टाइम लाइट ऑफ रखा था, इसलिए ऑफ रखा था क्योंकि मम्मी को नहीं पता था, हम लोग मम्मी के लिए सरप्राइज प्लान करके रखे थे। सो मम्मी जब हम लोग जब अंदर मम्मी आई थी तो रूम पूरा अंधेरा करके रखे थे, तो थोड़ा बहुत दिखेगा नहीं, बट हम लोगों ने ऐसे ही छोटा सा थोड़ा सा सेलिब्रेट किया है। बहुत ज़्यादा कुछ भी ताम झाम नहीं, बस ये वही खुश रहने के बहाने हैं, खुश तो रह सकते हैं ना। सो आप लोग भी अपनी मम्मी को बहुत स्पेशल फील कराइए, हर दिन कराइए, हर दिन बहुत खुश रखिए उन्हें। आप बताइए कि आप वो आपके लिए कितने स्पेशल हैं। हम लोग बर्थडे ऐसा नहीं कर पाते, हम लोग का कुछ ना कुछ बकवास हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे होते रहता है। बट मदर से लेकर आप एक डायरी मिलकर एक टॉफी भी खिलाइए, या फिर पैर के ऊपर नाम भी कीजिए, आपका जो मन करे, अपनी मम्मी को बहुत स्पेशल फील कराइए, बहुत खुश रखिए उनको। आज का ब्लॉग बस यही है, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप किस तरह का ब्लॉग देखना चाहते हैं, और मतलब मेरे ब्लॉग में क्या गलती रहता है, क्या कैसा क्या होना चाहिए, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और बस मेरे ब्लॉग देखिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। मैं अभी जा रही हूँ, पहले खाना खाऊंगी, इसके बाद मैं लेमन टी पीऊँगी, फिर थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर शाम तक काम स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।